ओपनिंग, ये 1 2 3 गो। एक अंडा दिया है अपना और उसके ऊपर बैठ गई है। प्यारे प्यारे नन्हे से मुंडे से मेरी तरफ ये भी, और चिड़िया भी अपने अपने। सिक्स, मेरी बात सुनो। तो ये प्यार तो बैठा हुआ है, जॉन सीना ऑन द मैन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जा रहा है, बहुत ही तेज हवा चली हुई है इस टाइम, ये भी लग रहा है कि बारिश होगी और सूरज भी जोर से निकला हुआ है। बस बादल छुपा रहे हैं सूरज को। सूरज कहता है नहीं, मैंने नहीं जाना। मिनीफो आ जाओ बाहर, आ जाओ यार, क्यों नहीं आ रहे? ओए, कितना यार गुस्से में ठहरे हुए बेचारे। कहते हैं निकालते हो नहीं। ये 1 2 3 गो। हाँ, ऐसा लगता कोई चीज है जो गिर गई है नीचे। मैं अपनी पिंकी को लेके आया था, मुझे बताया इतनी एक्टिव थी जितनी आप। ये देखें, ये देखें कैसे दौड़ रही है, माशाल्लाह ये। तो यार गाइस, आज की गुड न्यूज बहुत ही गुड न्यूज है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। तो यार गाइस, आपको पता ना कि हमारी मुर्गियां थी, तो गुड न्यूज ये है कि यार हमारी एक मुर्गी कड़ूक कर गई है इनमें से। ये अभी अभी उठी है फिलहाल ये खाना खाने के लिए, तो मैंने इनको खाना डाला तो अभी ये वो खा रही थी। लेकिन इसने आज क्या किया, एक अंडा दिया अपना और उसके ऊपर बैठ गई है। ग्रे वाली मुर्गी का है और ये है ब्राउन वाली मुर्गी का। मैंने फिर नहीं उठाए। अब देखा ये दोबारा जा रही है अपने अंडों के पास। ये कड़ूक तो कर गई है, लेकिन मेरे काफी सारे लोगों से सुना कि यार वो कहते हैं कि कड़ूक को ना पक्का होने का, पता नहीं यार ये क्या होता है। बस ऐसा होता है कि यार यानी कि कड़ूक किया ना तो एक दो दिन वो उन्हीं अंडों पर बैठे रहने तो वो पक्का कर लेती है। फिर आप उसको नए अंडे जो प्रोवाइड करोगे ना, कि वो है कि उनको बैठेगी, उनको हेज करेगी, उनको जो करेगी, उनको वो करेगी। कल हम इसको बिठाएंगे अंडों पर, इसकी प्यारी जगह बना के नसी नीचे जीत रहे भी अंडे थे ना। मैंने नहीं खाया यार, एक भी अंडा नहीं खाया यार मैंने, सारे इसी को दूंगा मैं अंडे। फिर उनमें से ये निकालेगी बच्चे इंशाल्लाह। ये ना हो ना कि मैंने ऑमलेट भी नहीं खाया और बच्चे भी ना निकले, फिर बड़ा गुस्सा आएगा कि ऑमलेट भी नहीं खाया और बच्चे भी नहीं निकले। आ जाओ सारे नमूने आ जाओ। जब भी मैं करता हूँ यार, अब ये मेरे पास आएगा, मेरा कहना मानेगा, लेकिन ये मेरे से मुंह फेर के चला जाता है। ये देखना अपने पास मुंह किया ना इसका, अब देखना उधर मुंह करेगा और चला जाएगा। सिक्स, मेरी बात सुनो, इधर आओ। देखा, मुंह फेर के उधर चला जाता है, मेरी बात नहीं सुनता यार ये। देखा यार गाइस, मुंह फेर के वहां पर जा रहे हैं। यार मेरी बात सुनो, ये लो आओ। आप क्या करोगे, आप कहाँ जाओगे? यार मैं अपने लब्बड़ में आया हूँ, लब्बड़ में, क्योंकि मुझे ख्वाब आया था कि इनके बच्चे निकले पड़े हैं। तो यार देखते हैं कि वाकई में ये हमारा ख्वाब सच्चा था कि झूठा था। एक तो झूठा हो गया। ओए ओए ओए, प्यार तो बैठा हुआ है। अब देखो बच्चे सच्चे निकले हैं। ओए सारी मट्टी उड़ा दी यार, ना अंडे देने ना बच्चे देने, बल्कि मट्टी उड़ा के मुझे डिस्चार्ज कर देना। तो यार थर्ड को देख लेते हैं, दो अंडे, वो भी वो 100 साल पुराने। इतने अरसे में तो यार इंसान का बच्चा भी निकल आता है अंडे में से, लेकिन ये पता नहीं क्यों नहीं निकला इनका बच्चा। नेक्स्ट को देख लेते हैं, क्या है, सारे अजंदर ही बैठे हुए हो। जाओ वहाँ पर जाओ, तुम भी वहाँ पर जाओ। यहाँ पर किस लिए आए थे, मैं तुम्हें बुलाया था, वहीं पर बैठो। तो यार ये डब्बा भी हमारा खाली है बिल्कुल। अब आखिरी है, इस पर थोड़ी सी उम्मीद होती है हर बार मुझे। एक अंडा पड़ा हुआ है, बल्कि सारे अंडे पड़े हुए हैं, लेकिन सारे के सारे अंडे खराब हैं। मुझे वो नीचे छुपे पड़े हैं, बट कोई बच्चा नहीं है। मेरा ख्वाब झूठा था। ये लास्ट सीजन था लव बर्ड को चेक करने का, वो भी कर लिया। अब डब को भी चेक कर लेते हैं, अगर इसकी बच्चे सीजन नहीं निकलते ना ये, फिर इसका भी आखिरी सीजन है। फिर यार हम इनको बेच के ना कोई अच्छे से प्यारे प्यारे नए बर्ड्स लेके आएंगे अपने फार्म के लिए। ये देखना यार, एक अंडा दिया इसने, इस बार मेरे ख्याल में ये अंडा भी इसका खराब हो जाएगा। और कवे भी और चिड़िया भी अपने अपने इंजॉय में निकले हुए हैं। यार गाइस जल्लो जल्लो समझते हैं ना, मैं बताता हूँ आपको। जल्लो 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 किसी का नाम नहीं है, जल्लो निकला येलो से, वो भी मैंने निकाला। और अंडे निकले हैं इनमें से, और वो निकलवाए मुर्गे ने। फौज का ये वाला जो कमांडो है ना, ये बहुत ही खूबसूरत है। ये वाला नहीं, ये तो बल्कि ऐसा कमांडो है ना, ये देखा मैंने सारे चीजों को ठहराया ना। अब जैसे मैं कैमरा नीचे करूंगा ना, जय आएगा कैमरे के ऊपर, अपने नखून मारेगा। देखना अभी आप, ये देखे आया, अब देखना आप इधर आ ना, इधर आ। ये बताओ क्या दुश्मनी है कैमरे से है। तो यार गाइस आया तो मैं अपनी बजीज में ठहरा हूँ, लेकिन मुझे ख्याल फिर भी अपनी मुर्गी कार है और उसने कड़ूक कर दिया। अब हम उसके नीचे अंडे रखेंगे, इंशाल्लाह बच्चे निकलेंगे प्यारे प्यारे नन्हे से मुंडे से मेरी तरफ। गाइस इसके साथ साथ आज हमें एक और भी बहुत ही बेहतरीन गुड न्यूज़ मिली है। वो गुड न्यूज़ मैं आपको बताता हूँ, ये देखना अभी आप। ये गुड न्यूज़ है, समझ आ रही है? गुड न्यूज़ नहीं आ रही, मैं आपको समझाता हूँ गुड न्यूज़ क्या है। 1 2 3 ये चौथा ऊपर है, ठीक है। ये वो 5 6 7 गिन रहे हो यार, 1 2 3 4 5 6 ये सातवां और ये आठवां बैठा हुआ है। 8 बच्चे निकल आए हैं इसके, 8 बच्चे यार। इतनी तो इंसान भी ब्रीड नहीं कर सकता जितनी इन्होंने की हुई है ब्रीड। के सारे बच्चे ठीक है, माँ के भी बाप बने बैठे हो। तो यार गाइस अब हम चेक करते हैं नेक्स्ट को। इसके भी मेरे ख्याल से 3 बच्चे निकल आए होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा चांस चेक कर ले। 1 2 3 4 बच्चे निकल आए हैं। वाह रे क्या बात है तेरी। थर्ड को देख लेते हैं, खाली है। फोर्थ को देख लेते हैं,
एक मुर्गी के नीचे तो उनमें से फिर बच्चे निकलेंगे, फिर मुर्गी उनको खिलाएगी, फिर मुर्गी के बच्चे होंगे उड़ने वाले। और हमारा जॉन सीना भी बाहर निकला हुआ है, माशाल्लाह जॉन सीना बाहर आ गया है। अब इसका भाई निकलेगा रोमन रिंग्स, अब बस रोमन रिंग्स निकालने डॉली में से, फिर हम जॉन सीना को यहाँ पर और रोमन रिंग्स को यहाँ पर बिठाएंगे, ठीक है ना। जॉन सीना बुंदा मैच यार, इस बार ना रोमन रंबल इसी ने जीतनी है, देख लेना आप। तो ये बैठा रहा यार, इसको नहीं बढ़ाते, हम नेक्स्ट पे चेक करते हैं। पांच में हमारी डॉली खाली है, नेक्स्ट पे चेक कर लेते हैं। छठी में भी टन 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 चारों बच्चे बैठे हुए अभी बाहर, इनमें से एक भी निकला। हालांकि इनमें से ना यार तीन बच्चों को बाहर निकल आना चाहिए अब, लेकिन निकला अभी तक एक भी नहीं। इसको तो निकल आना चाहिए, इस सबसे बड़ा भाई है यार, बड़ों पर वैसे भी बता रहा ज्यादा होता है। इसको मैं बाइक भी लेके दूंगा यार, फिर घर के सारे काम यही करेगा। तो चेक कर लेते हैं, ये हमारे डोली में चार बच्चे बैठे, हमें रेड आइज में से सबसे बड़ा है, लेकिन ये भी आज बाहर नहीं निकल। अब निकलना स्टार्ट हो गया ना, इन जैसे बच्चे जा रहे सारे, तो अब इंशाल्लाह सारे ही बच्चे जल्दी जल्दी बाहर निकलेंगे, है ना जोर सीना। इसको चेक कर लेते हैं यार, गज नादिर मक्सी पता चार बच्चे निकल आए हैं। अब हम ये देखेंगे साहिबजादा सुल्तान पीछे तो नहीं रह गया उससे। ओए साहिबजादा, हाँ साहिबजादा के भी चार बच्चे निकले पड़े हैं यार, तब इसके तीन अंडे पड़े हुए हैं। नेक्स्ट को चेक कर लेते हैं, खाली है। अब नेक्स्ट को चेक कर लेते हैं, देखा यार रोमन रिंग्स बैठा हुआ है, जॉन सीना हमारा बाहर आ चुके हैं। क्या कहेगी यार, इस बार रोमन रिंग्स पीछे हो गया है, निकलो जल्दी करो बाहर निकलो। खाली है, नेक्स्ट को देख लेते हैं, फाली। इसमें भी यार सारे बच्चे बड़े बड़े हुए पड़े हैं, सिर्फ इसके अलावा ना सारे बच्चे बाहर आ जाना चाहिए यार। कल हम ऐसा करते हैं, इन सब डोलियों की सफाई भी कर लेते हैं, और इसके अलावा बच्चों को भी निकाल के बाहर बैठा देंगे। जिसका होगा वो आएगा, खुद फीड करवाएगा, खुद जाएगा ऊपर, उठ जाएगा, ठीक हो गया ना यार। ये निकलेंगे तो फीमेल्स में अंडे उतारेंगी, और इसके भी सारे अंडे बाहर फेंक देंगे, क्योंकि इसके सारे अंडे तकरीबन खराब हो चुके हैं। 10 के 10 अंडे जितने भी थे ना, सारे अंडे खराब हो चुके हैं। 9 अंडे देखे कैसे लाइन में पड़े हुए हैं। कहते हैं गिनने में आसानी हो जाए, ताकि तुम रोजाना गिनते हो ना, अब तुम्हें गिनने में आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 इनमें से भी यार दो बच्चे बहुत बड़े बड़े हैं, बाकी तीन बच्चे छोटे हैं, तो इन दो को निकल आना चाहिए, ये दोनों बड़े भाई हैं। यार अब मैं तो रेडी हूँ बाहर जाने के लिए, लेकिन जो मेरा जोन सीना है, जो मुझे बाहर नहीं जाने दे रहा, देखे बैठा हुआ आराम से, कहते मैं नहीं जाऊँगा, मेरी मम्मी मुझे पीठ निकलवाती, तुम मुझे पीठ निकलवाओ हैं। यार ऐसा करते हैं, हम नीचे चलते हैं, यारी सी भैयारी बनवाते हैं, एक कोक भी लेके आता हूँ, और फिर हम बाकी पार्टी करते हैं, ठीक हो गया। आवाज़ें सुन रहे हैं आप मेरे पीछे, यार एक बच्चों को मैं पकड़ के लाकर तो मैं कहता हूँ आप हमारी क्लिनिक खाली हो जाएगी, यानी कि सिर्फ बड़े बड़े बच जाएंगे, लेकिन इतने अर्थ में फिर बच्चे निकल आते हैं। माशाला यार बॉडी बरसात है, बॉडी बरसात है। अगर रात होती ना, इतना ऐसा खौफ आ रहा था, तूफान आए, आंधी आए, बारिश आए, जलजला आए, कुछ भी आए, इनका खाना बस नहीं होता। देखिए आप कितनी जोर का, जो देखिए छापर को देखिए आप कैसे उड़े छत वाला हमारा, उड़ती पतंग सथा वो, बस वो फट जाएगा, बस करो। देखिए अभी भी फिलहाल ये खा रहे हैं। आज मैं तुम्हारे लिए चने लेके आ रहा था, लेकिन मैं नहीं लेके आया, मुझे पता था कि तुम मेरे साथ फिर बदतमीजी करते हो। यार जी वहां पर जाके बैठ जाते हैं, इस फट्टे के साथ खेलने लग जाते हैं, और मेरे पास नहीं आते खेलने के लिए, तो मैं इनके लिए चने नहीं लेके आया। बस आज से तुम्हारी और मेरी कुट्टी, आओ। यार मेरे कुट्टी करके इसे अंगूठा दिखाया है, और ये देखें वो ऐसे करके डन करने लगे, अपना हाथ मिलाने लगे। मिठू ने कहा नहीं, कुट्टी नहीं करनी इनसे, देखें आके उसको मार रहे। मिनी फौज और हमारे खरगोशों के ना दोस्ती बन गई, अब ये देखें कट्टे मिलके खा रहे हैं, अब खरगोशों वाला सामान मिनी फौज हमारी खा रही है। यार गाइस बस इसे तकरीबन खा लिया, और आप ये बैठने वाली है अपने अंडों पर, तो यार आज ये बैठ ही रहे, कल हम इसको इंशाल्लाह इसकी प्यारी सी जगह बना के इसको अंडों पर बिठा देंगे, या फिर इसे यहीं पर बिठाएंगे। यार जहाँ मैं सोच रहा हूँ कि यार इसको अगर जहाँ पर बिठाए ना, तो मुर्गो इसको डिस्टर्ब करेगा और ये बेचारे डिस्टर्ब होगी, या फिर हम इसको वहीं पर ले जाएंगे। बहरहाल अंडे मैंने अभी रखे रहने दे, मैंने जा रहा हूँ ये ना कि इसका कड़ू खराब हो जाए। अंडे अभी फिलहाल पड़े हुए हैं, यकीन करें बड़ा दिल कर रहा था यार अंडे वाला पराठा खाने का, लेकिन मैंने नहीं खाया यार, मैंने कहा यार बच्चे निकलवाऊंगा इसके। मैंने इनका दाना पानी भी चेंज करना, और इसके अलावा इसका शापर भी सेट करना, और इसके अलावा मुर्गी की जगह भी बनानी है, तो सब काम करके फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में न्यू एक्टिविटी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। देखा यार गाइस, इसमें खाना खा के अपने दोनों अंडे अपने नीचे कर लें, और ये गई बैठी है, बस इंशाल्लाह हम इसे कल इसके जगह पर बिठा देंगे।